रहमतुल्ला शहराज गार्डन आइडिया जनाब खुश आमदीद सारे दोस्तों मेरी तरफों फिर दूसरी बड़ी सलाम जनाब माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह जी सूरज चढ़िया तो बहुत ही ताबोयाब नाल सूरज चढ़िया दिल करता पै कि अच्छे को गल करिए काम भी करिए इंशाल्लाह अज एक पौधे के मतलब तुम दसागे कि उस पौधे असी जमीन च लाने या गमले च लगाने तो वो ज़्यादातर दोस्तों का मर जाता है तो क्यों मरता है किस वजह तो मरता है तो पौधा बड़ा नयाब है साढ़े तो खैर पाकिस्तान जी तो नयाब है क्योंकि वह साल एक स्टैप निकलता है पत्तियां का वास्ते नयाब है क्योंकि उम्र ज़्यादा होती है कद थोड़ा होता है लोकेशन टाइम नाल नहीं बनाता टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो असं अच्छ गल करनी है तो इंशाल्लाह तुम दसागे कि वह तरीका की है तो किस तरह वो ज़्यादा देर पर रहेगा तो थोड़े को सोहना बनेगा गलेगा नहीं मरेगा नहीं तो वो गल करा इंशाल्लाह चलने पौधा उठाने जनाब एक पौधा जनाब ए उठाया कंगी पाम का पौधा दूसरा जनाब एक ए भी उठाया ए भी कंगी पाम का पौधा तीसरा असी एक ए उठा लिया तीनों ही असी तीनों पौधे असी उठाए ने कंगी पाम के तकरीबन एक जगह तो उठाए ने दोस्तों इन्हों के तुम ये वेखना है कि इन फर्क की है जरा गौर नाल मेरी फजूल गल कोई नहीं हैगी तो वीडियो के मतलब जनाब कोई ऐसी गल नहीं उतरी हेठी मारन की कोई जरूरत नहीं इंशाल्लाह तुम गौर नाल पौदे देखना है कि यह पौद्या फर्क की है तो की नहीं इनू कंगी पाम असी कहने साडे पंजाबी मुल्की गैर मुल्की फिर गल करने कि मुख्तलिफ नाम होंगे ने हर मुल्क का अपना एक नाम है तो सानू तो यहाँ जरा नाम है ना वो यही पता है कि कंगी पाम है कंगी तरह के पत्ते ने तो इस तरह ही नवा पौधा बनता है ये फर्क की है दोस्तों फर्क ये है कि यह पौधा जमीन तो उपर लगा हुआ यह पौधा होर लोकेशन से लगा हुआ ठीक है जी यह पौधा जमीन के बिच फुल दफन किया हुआ अच्छा पौधा लगा हुआ ए जरा अच्छी लोकेशन से लगा हुआ पौधा ना दोस्तों वो ए वाला है ठीक है जी बहुत ही अच्छी लोकेशन का लगा हुआ है इस तरीके पौधा लगा हो तो यह मरेगा नहीं कंगी पाम का पौधा ये खुश्क रहने तो मरता कोई नहीं तो पानी ज़्यादा पैन मर जाता ठीक है जी यह पौधे ये ज़्यादा पानी पै जाए बारिश की वजह न क्यों पैदा नहीं है पानी की कमी है तना थले जमीन से लगा हुआ है तो ये ज़्यादा पानी पै जाए तो एहतियात कोई नहीं करनी अपनी तरफ ज़्यादा पाना है यदा पानी ज़्यादा पैन न साह घुट के मर जाए ठीक है जी एक यह पौधा लगा ये भी अपनी लोकेशन आप रखता है ये भी ठीक है तकरीबन ये भी ठीक है यह दो पौधे साढ़े ठीक लगे हुए हैं यह गलत लगा हुआ तो इनू ठीक करने वास्ते जो किसी नर्सरी तुम्हें मिल जाए इन ठीक करने का तरीका दसने तुम इंशाल्लाह थोड़ा जहाँ मैं मिट्टी का बंदोबस्त करना क्योंकि पैदे की मिट्टी पैनी है तो पौधे ने उचिया होना है तो उचिया काट के तुम दस रहे हैं कि ये पौधे ने किस तरह ठीक रहना है तो किस तरह बचना है तो किस तरह की नशे नुमा होनी है ऐसा लगता जो लाओगे जमीन से लगा लो गमले से लगा लो तो पौधा मर जाएगा खत्म हो जाएगा लो जी मैं मिट्टी का बंदोबस्त तुम्हें इंशाल्लाह करना गल कर रहे इस पौधे की यह पौधा डाउन है इन सैट करना है असं नहीं तो मर जाएगा सर्दियों के बारिश के मौसम खत्म हो जाएगा इन इस तरह पहले नंबर से कढ़ लेना थोड़ा इस तरह टेक लगा के इन कढ़ लेना थोड़ा इस तरह ओपन कर लेना इन इस तरीके इस तरह रख लेना थोड़ी मिट्टी पा लेनी जनाब है थोड़ी मिट्टी पा लेनी है इस तरह यह पैंदा जो हो गया उच्चा ए उच्चा हो गया पैंदा और थोड़ी मिट्टी पा लीए ठीक है जी ये मिट्टी पा ली है असं दबा दें जड़ जी बाहर से यह भी एंटर कर दी थी सही तरीका जनाब ए साडा अच्छे तरीके पौधा लग गया अलहमदुलिल्लाह इस तरह लगा हुआ पौधा साडा मरेगा नहीं अल्लाह अपना रहम ते फजल करे यही तरीका कंगी पाम के पौधे की हिफाजत का तो इन तैयार करन दा
ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੌਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਹ ਮੱਟੀ ਇਹ ਗਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੱਟੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੱਟੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।